लोग थे? वही है जी। वही लोग है? वही है जी। पहले भी आपके परिवार के? उनका घर ला रखी थी जी गाड़ी पलम्बर पर। तो सिक्योरिटी कहाँ थी इनकी? सिक्योरिटी रात के 9 बजे की जा रही थी। 24 घंटे की सिक्योरिटी? हाँ जी 24 घंटे थे जी। कब सिक्योरिटी मिली? सिक्योरिटी दूसरी दिन की थी। कितने लोग मिले हुए सिक्योरिटी में? सिक्योरिटी में तो 6 जने थे जी। छह जने आज एक भी नहीं था जी। तो लगता है कि पूरी मुखबरी हुई होगी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? संतोष सर। क्या भगवान जी की हालत कैसी है? पता नहीं जी। माना तो मैंने तो जी सारी दुनिया इकट्ठी होगी जी। जी बल्ले आए मैंने तो पता भी नहीं। मैंने तो सकल भी देखी जी। घर दूर है यहाँ से? हाँ जी मेरा तो घर दूर है जी। मैंने तो पता भी नहीं लगा जी। एक गांव में रहा जी। मेरा तो कल्ला घर है जी। हाँ मेरा तो परिवार भी नहीं। मेरा तो कल्ला ही घर है जी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। महिलाएं जरूर मौके पर पहुंच जाती हैं कि इस तरह से बताया जा रहा है कि इनके द्वारा किसी केस को लेकर गवाही दी गई थी और उसके चलते इनके परिवार के ऊपर पहले भी गोलियां चली थी। जिस दिन से गवाही दी गई थी उस दिन से इनके परिवार को सिक्योरिटी जरूर मिल गई थी। पुलिस से सिक्योरिटी जरूर मिल गई थी और आज पुलिस की कोई सिक्योरिटी इनके साथ मौजूद नहीं थी। हालांकि 24 घंटे की सिक्योरिटी पुलिस इनके साथ मौजूद रहती थी परंतु आज कोई सिक्योरिटी में पुलिस का जवान तैनात नहीं था। और आज मुखबरी हुई उसके बाद देख सकते हैं किस तरह से इनके परिवार पर गोलियां चले जाती है। जय भगवान। जो करियाना स्टोर के मालिक थे जो अपनी दुकान चला रहे थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। आप सभी से अपील रहेगी खबर को शेयर व सकरे। बड़ी खबर बताया जा रहा है कि कोई नहीं था पुलिस का जवान यहाँ पर? कोई नहीं था जी। वैसे इनको सिक्योरिटी मिली हुई है? सिक्योरिटी मिली है 24 घंटे सिक्योरिटी मिली है सर यहाँ पर। कौन सी केस में बताया जा रहा है कि किसी केस में इन्होंने गवाही दी थी? यो गोल्ड उसमें था दादूपर वाले केस में था और कोई केस नहीं था। हाँ कोई वो नहीं। तो फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम पुलिस के लोग उसके साथ दादूपुर का और पहले जो सरपंच थे हाँ उनके उसमें जो उसमें क्या शक था उनको इनको बस कहीं इसने कोई गवाही कोई मुखबरी या गवाही जो भी होगी वो मामला उनको पता होगा जी। उस खुंदक में आकर के इन्होंने गोल्डी के उसमें यहाँ पे पहले हमला किया। गोल्डी उसमें दुकान पे था। आज क्लियर तो नहीं है कि वही हमला हो रहा है या कोई और है? मामला ही वही है जनाब। दूसरे किसी को क्या खुंदा कैब इसको मारेगा? वो तो अरेस्ट हो चुके हैं सारे। अरेस्ट पर दूसरे को कह दिया होगा किसी को तुम कर दो काम। शूटर और भी तो आ सकते हैं बदले की भावना से। बदले की भावना से तो और भी आ सकते हैं जी। ये तो दूसरे के साथ कोई दुश्मनी नहीं इनके बिचारों की। हाँ जी गवाही तो मदे ही है जी। जिसके गोली लगी है मुकदमे का मदे ही है ये। इसके चलते हमला किया होगा? हाँ जी इसके हाँ हो सकते हैं जी। ऐसा हो सकता है इसके चलते इनके ऊपर हमला कर दिया हो। हाँ इसके चलते हुआ जी ये सारा कुछ। हाँ गवाहियाँ चल रही है मुकदमा चल रहा है जी। बताया जा रहा 6 सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए इनको। ये तो पता है सिक्योरिटी गार्ड तो थे बदल बदल के लगा करते। सिक्योरिटी आपकी थी? आज एक भी नहीं। आज एक भी यहाँ एक भी नहीं थी। अब उधर गोल्डी के पास हो या जय भगवान उसके धर्मवीर के पास हो वो नहीं कह सकते। कौन से केस में गवाही दी थी इन्होंने? ये कोई अंजन थड़ी वाला था ना गवाही नहीं दी थी। अंजन थड़ी वाले केस में इस लड़के का कोई मुखबरी में कड़ी नाम आ गया था। उन्होंने उस खुंदक में इस पे गोली चलाई थी आगे उस खुंदक में इस पे चली थी। तीनों उस टाइम मौके पे थे आज से एक साल पहले करीब। उसके बाद ये मामला चल गया। मामला चल रहा है यो मदई बन गया। मदई था जी ये लड़के का बाप था गोल्डी का और जय भगवान जो धर्मवीर था इसका चाचा था। तीनों को उस टाइम मौके पे यही लगी थी। फिलहाल देख सकते हैं फसल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। फसल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और देख सकते हैं सीआईए की टीमें पहले ही मौके पर पहुंच चुकी थी। डीएसपी समेत पुलिस के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं देख सकते हैं। पता करेंगे सर उस पर गोली किस पर चली है? जय भगवान। तो जिन पर पहले भी गोलियां चली थी शायद? तो कितने शूटर्स थे सर ये? 4 आया जो पूछा है यहाँ अभी चेक किया जा रहा है। अभी चेक कितने राउंड अपील करेंगे जिसके बाद जानकारी हो पुलिस को? हाँ यस राउंड अपील अभी देख रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई अभी सारी फिलहाल देख सकते हैं सीन ऑफ क्राइम टीम बुला ली गई है और देख सकते हैं किस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फसल की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लाइव तस्वीरें आप करनाल के जिंजाड़ी गांव से देख सकते हैं किस तरह से एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। आप सभी से अपील रहेगी खबर को शेयर अवश्य